जस्ट हम लोगों ने इस गाड़ी में 17,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। Hey guys, welcome back to the channel, and I hope all of you are doing absolutely fine. So guys, today is another new day and welcome to a fresh new vlog. So आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे बीर बिलिंग से। तो बीर बिलिंग से निकल के आज हम लोग जो आज हमारा टारगेट है वो है कांगड़ा फोर्ट जाने का, और देन हम लोग टुवर्ड्स दिल्ली मूव करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर जो पिछले एपिसोड्स है वो अभी तक नहीं देखे तो मैं नीचे लिंक में छोड़ दूंगा, वो पूरा सीरीज़ जाके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए गाइस, शुरू करते आज का जर्नी, ब्रेकफास्ट करते और यहाँ से फटाफट निकलते हैं। हे गाइस, हम लोग अभी निकल गए हैं होटल से और अभी रास्ते में हैं हम लोग टुवर्ड्स कांगड़ा जा रहे हैं। तो दिस इज़ द रोड, आप एक बार देख लो। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको दोनों तरफ जंगल है और बीच में से ये रास्ता जा रहा है। कांगड़ा फोर्ट अभी पहुँचने वाले हैं, अराउंड कितना 39 किलोमीटर और रह गया है, तो वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आपसे फिर से बात करते हैं, दिखाते हैं आपको कांगड़ा फोर्ट। क्योंकि हाय गाइस, तभी आप लोगों ने देखा होगा क्या का बहुत ही बेहतरीन और सुंदर रास्ते पहाड़ों के बीच में से। तो ये जो पहाड़ में ऐसे जो जिगजैग रास्ते में ना चलाने का मज़ा ही अलग है, और वो भी ऐसे छोटे रास्ता हो तो अच्छा है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि आगे स्पीति वैली जाएं गाड़ी लेके, तो गाड़ी लेके जाऊंगा तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जा रहा है अभी। गाइस, हम लोग पहुंच गए कांगड़ा फोर्ट में और यहाँ पे हमने गाड़ी रख कर दिया है पार्क, और गाड़ी रखने का पता नहीं अंदर में जगह है कि नहीं है। सभी हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, पार्किंग मतलब क्या ही बाहर ही लगा दिया है, पता नहीं अंदर कुछ है कि नहीं है। और पार्किंग किसी को पूछा था तो उन्होंने बोला ये लगा दो। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, देखते हैं टिकट विकेट जो भी है लेते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं कांगड़ा फोर्ट के अंदर और मिलते हैं आप लोगों से अंदर। चलिए गाइस, लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर द कांगड़ा फोर्ट। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं अंदर और यहाँ पे ऐसे तो बाहर लिखा हुआ था 25 रुपीज़ पर पर्सन जैसे आपने देखा वीडियो में अभी, लेकिन यहाँ पे अभी सिस्टम ऑनलाइन हो गया है तो आपको ऑनलाइन टिकट काटना है, और ऑनलाइन जो है वो 20 रुपये पर टिकट लेता है। तो गाइस, रंजीत सिंह गेट, तो ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है। हम लोग अभी यहाँ से एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं। चलिए गाइस, लेट्स गो। तो गाइज, ये काफ़ी बड़ा एक फोर्ट है, बहुत सारे लेयर्स में बने हुए हैं और सीढ़ी चढ़ चढ़ के आप ऊपर चढ़ते जाना है बस।
सो गाइस यहाँ से नज़ारा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बनाया हुआ है, सो दिस इज अनदर व्यू पॉइंट। सो अमेजिंग है गाइस, बहुत सारा द्वार क्रॉस करके गेट से अंदर आते हुए फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। सो दिस इज़ द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ दिस फोर्ट। तो ये जो मेरे पीछे है, दिस इज़ ए टाइप ऑफ सनसेट पॉइंट भी आप बता बोल सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप सनसेट देख सकते हैं, या सनसेट में आइए, सनसेट देखिए और व्यू को एंजॉय करिए। सो गाइज ये जो फोर्ट है, अगर इस फोर्ट के बारे में थोड़ा आपको बताऊँ, सो दिस फोर्ट वॉज बिल्ड बाई राजपूत फैमिली। ये धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 20 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में कांगड़ा टाउन में आता है। और इन तो ओवरऑल इन इंडिया इट इज़ द 8th लार्जेस्ट और ये 463 एकर्स में फैला हुआ है। तो ये कब्जा करने के लिए यहाँ पे अराउंड 52 अटैक्स टोटल हुआ है इस किले पर, इसको कब्जा करने के लिए। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेल्स है और उसके अंदर जब वो अटैक होते थे तब लोग यहाँ पे अपना मतलब जो भी कीमती सामान, सोने, जहरात, ये सब लोग वहाँ पे डाल के रख देते थे। यहाँ के जो लोकल्स है वो अभी भी बोलते हैं कि यहाँ पे अराउंड 8 जो वेल्स है अभी भी है, जिसमें अभी भी सोने, जहरात, ये सब पड़ा हुआ है। इसी में ये 52 अटैक्स टोटल हुए हैं इस किले पर और अल्टीमेटली ये नेचर के आगे हार गया। तो बहुत सारे किले धस गए, ऐसा मतलब हिस्ट्री बोलता है। और 3 राजा थे, एक गजनी है, एक बिन तुगलक है और एक शेरशाह आई थिंक। उन्होंने भी ट्राई किया था इसको कब्जा करने के लिए लेकिन वो कर नहीं पाए। सो दिस इज़ द हिस्ट्री। और ब्रिटिश ने 1846 में कुछ एंग्लो सिख वार में इसको हरा के अपना कब्जा कर लिया था, तब उन्होंने वो 5 लूटे थे। तो ये छोटा सा हिस्ट्री है, मुझे जितना मालूम है मैंने आप लोगों से शेयर किया, हो सकता है कि मैं पूरा सही ना हूँ। तो हमारी गाड़ी धूप में इतना देर से खड़ी है, प्रॉपर पार्किंग नहीं है यार। अभी हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट और चलते हैं दिल्ली के लिए निकलते हैं। और रास्ते में मैं आपको बताता रहूँगा अगर हम लोग कहीं पे रुके तो। स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते रहिए वीडियो को एंड तक, अभी जर्नी को एंजॉय करिए। यहाँ पे रुक गए रास्ते में, ऐसे ही कहीं पे रुक गए दादाजी, मतलब हम लोग जा रहे टुवर्ड्स ऊना, तो रास्ते में हमें एक दादाजी मिल गए। वो रहे पीछे दादाजी, वो साइकिल में, वो क्या बोलते हैं, जो बचपन में जो होता है ना, सब पैंपू बचता है, जो सॉफ्टी, वो सब बजा के जा रहे हैं, वो सॉफ्टी लेके। तो हमने देखते हैं उनको रोक लिया, क्या दादाजी रुक जाइए हमें थोड़ा खिलाइए। वो देखिए बजा रहे, देख रहे, दिखाता हूँ मैं, चलिए। बहुत अच्छा है। तो हमें दादाजी मिल गए रास्ते में और दादाजी ने हमें खिलाया, तो हमने देखते ही रोक लिया कि ये खा के जाएंगे। खुद बनाते हैं दादाजी आप? नहीं, फैक्ट्री का माल है। बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो हम रुक के देखते हैं दादाजी को और रुक के बोले कि हमें भी खिलाइए एक दो, ये बचपन में हम बहुत खाते थे। आजकल तो मिलता नहीं ना उधर हमारे सिटी जगह में ना, आजकल मिलता नहीं है, तो सब क्वालिटी वो सब हुआ, बड़े बड़े ब्रांडेड आ गए, ब्रांडेड वाले आ गए, तो ये सब आजकल मिलता नहीं है। तो जैसे ही हमने देखा तो हमने बोला कि हमें दो खिलाइए, तो हमने ले लिया दो, अच्छा लगे तो एक और लेके खाएंगे, बहुत टेस्टी है। हाँ, ये सब क्वालिटी और मैकडी और ये सब आजकल ना मार्केट ले लिया है, तो ये छोटे मोटे बिजनेस इतना टेस्टी है, देखिए बस ब्रांड नहीं है। एक और लेता हूँ, तो चलिए खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। सिर्फ 10 रुपये। हाँ देखिए इतना बढ़िया है, सिर्फ 10 रुपये, हमने 4 ले लिया 40 रुपये में। तो खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस अभी हम लोग रुक गए यहाँ पे लंच करने के लिए। तो बेसिकली इस रास्ते में खाने के लिए उतना ऑप्शंस नहीं है, तो ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग जाने के टाइम में हमने लंच किया था, लेट लंच किया था शाम के टाइम में। तो वहीं पे हम लोग अभी रुक गए हैं लंच करने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो दुकान है, ढाबा टाइप। तो क्योंकि यहाँ से फिर निकल जाएंगे तो ऊना तक और कुछ नहीं मिलेगा, और फिर यहाँ पे अभी कर लेते हैं लंच और फिर यहाँ से निकल के रात को फिर कहीं पे मुरथल या कहीं पे रुक के फिर वहाँ पे खाएंगे। सो गाइज अभी हम लोगों ने आनंदपुर साहिब क्रॉस कर लिया है, अभी मैं आ गया उत्तराखंड सीट में और मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ,
थोड़ा ऑफिस का काम भी ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत अभी एक कुछ काम करते हैं और फिर से ड्राइवर सीट में जाके चलाएंगे। तब तक चलाएंगी मैडम जयिता चलाएंगी, तब तक कीप वॉचिंग गाइज और होप सो यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। चलिए लेट्स गो। और ये है हमारे ब्लॉगर साहब जिनको खटिया मिला नहीं कि लेट गए, देखो। और खटिया में सो के नींद पूरी हो गई, कैसा लगा? अरे इतना बढ़िया, ऐसा खटिया होने से कौन नहीं सोएगा। मैं तो सो गया जैसे ही ये खटिया मुझे दिखा, मैं तो एक 2-5 मिनट का पावर ने पाल लिया मैंने। तो ऐसा खटिया मुझे घर में एक लगाना चाहिए, ऑसम खटिया है दोस्त। मतलब मैंने तो वो लोकेशन भी सेव कर लिया अपने मोबाइल में कि आगे जब भी जाऊंगा यहाँ पक्का रुकूंगा और एक पावर नैप मार के आऊंगा। हाय गाइस, तो फाइनली आज अभी हम लोग घर पहुंच गए। टाइम हो गया 11:15, तो ये भी ख़त्म होता है हमारा ये ट्रिप जो कि था बीरविलिंग और कांगड़ा वैली। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। इसमें हमने टोटल डिस्टेंस को कवर कर लिया है। इसमें आज का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो है 578 किलोमीटर्स, एवरेज 19.7 आ रहा है। और जो टोटल ओवरऑल हमने डिस्टेंस कवर किया है वो है 1153.8 और टोटल डिस्टेंस का जो एवरेज आ रहा है वो 19.1। और एक और चीज़ है गाइस, अभी जस्ट हम लोगों ने इस गाड़ी में 17,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। सो अभी कुछ दिन पहले 15,000 किलोमीटर्स में सर्विसिंग कराया था और अभी 17,000 किलोमीटर भी हमने क्रॉस कर लिया है। तो आई होप सो कि ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, स्पेशली ये वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जिसमें हमने कांगड़ा वैली कवर किया है और ये टोटल पूरा जर्नी जो था रोड ट्रिप का। रोड ट्रिप मुझे आपको दिखाने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आई लव रोड ट्रिप्स, और रोड ट्रिप्स में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। ये मैं हर बारी में बोलता हूँ बिकॉज आई लव रोड ट्रिप्स एंड आई होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। बाकी एपिसोड्स जो है वो नीचे लिंक में दे दूंगा, आप लोग जाके पूरा सीरीज़ को देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे और भी मैं बहुत सारा ट्रिप्स करने वाला हूँ। जैसे मेरे पुराने सीरीज जिन्होंने देखा होगा उनको पता है मैंने बोला था कि मैं बहुत सारा ट्रिप्स करूँगा अभी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रिप्स आते रहेंगे आपके लिए। और इंस्टाग्राम में आप ज़रूर मुझे फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम में जितने भी मैं प्लानिंग करता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, उसका इमीडिएट अपडेट्स इंस्टाग्राम में आता है। सो गाइज, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, एक और सीरीज में, एक और रोड ट्रिप में आप लोगों के साथ। टिल देन कीप बिलीविंग योर पैशन एंड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। गुड नाइट, थैंक्स फॉर योर टाइम, शुभरात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय गाइज़।